दादा बाय 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 बाय। अरे इधर आ जाओ ना, तुम इधर आ जाओ ना, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ रहे, पीछे आना। अर्जुन सर सर नहीं देखे, देखेंगे अभी संडे। सर संडे जा रहे हैं हम लोग, आज बॉक्स ऑफिस के सर। फिर संडे को कोई इवेंट निकला तो नहीं निकले आ रहा। अभी दो मिनट पूरा में बस बस देखने के टिकट लिए तो नहीं, कल जाऊंगा सुबह। फोटो किसका लेगा? सुपर रमेश जी, आप यहाँ अर्जुन लोग सामने, अर्जुन से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आ गए। विनाश हम बजा जरा, हम बजा विनाश यहीं पर मार। फोन पीछे ले लो भाई लोग, फोन पीछे ले लो। मैंने वो पूछा था लेडी, तो मुझे लगा आपकी बात है।
जी आपने देखी कि नहीं? संडे तो देख लेना फैमिली के साथ। क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छा रिस्पांस बच्चों से? इसीलिए तो काम करते हैं। तो अनीस भाई और अनिल चाचू की देन है कि मुझे जेन्युइनली बहुत दिनों बाद थिएटर आया हूँ। कियन का के लिए 15 मिनट के लिए आया था, हाफ गर्लफ्रेंड के समय थिएटर आ नहीं पाता क्योंकि प्रमोशन इतनी चल रही थी। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। हम लोग एज एक्टर्स काम करते हैं थिएटर में ताकि लोग पिक्चर एंजॉय कर सकें। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, सबका काम पसंद आ रहा है, हमारी केमिस्ट्री पसंद आ रही है। तो मैंने अनिल चाचू ने और आज मैंने एक रिव्यू पढ़ा जहाँ पे बोला करण अर्जुन के बाद अनिल अर्जुन हो गया। ये नया जोक बन गया अनिल चाचू और मेरा कि अनिल अर्जुन हो जाएगा। और मुझे लगता है रणवीर सिंह बहुत खफा होंगे आज कि नई केमिस्ट्री और नई रिलेशनशिप जो हो गई है पूरी तरह। बहुत अच्छा लग रहा है जो फीडबैक मिला है मीडिया से, ऑडियंस से, क्रिटिक्स से, रिव्यूज से, और आज आप जैसे कह रहे थे बच्चों से, आई थिंक दे आर द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट ऑडियंस। चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ऑनेस्ट एंड टफेस्ट ऑडियंस। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी फैमिली के साथ काम करते करते हमने काफ़ी सारी फैमिलीज को थिएटर में आने आते हुए देखा, तो बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम ये करण अर्जुन की जोड़ी देखेंगे। चलो अर्जुन तो मैं ही रहूँगा उसमें। नेक्स्ट फिल्म यू कैन डू करण। करता है। मैं आगे क्यों नहीं देखेंगे? बेशक वो तो इन पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है। हाँ नहीं बट इसी बहुत सी फिल्मों में काम किया, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और अनीस साहब के साथ बहुत सी फिल्में की, बट इस तरह का प्यार ओवरऑल अच्छा लगा। थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा फीडबैक भी लेते हैं क्या ऐसी तो नहीं सब तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो बात हुई ऐसे जेन्युइन। मुझे लगा कि बेसिकली यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस एंड द फीडबैक एंड द रिएक्शन हैज़ बीन ओवरवेलमिंग एंड सब यही कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने एक अच्छी साफ सुथरी इंटरटेनिंग जहाँ उन लोगों को हंसने का, अभी मेरे ख्याल से एक लड़की थी वो जो अनीस साहब को मिली, सर आप हमेशा हमारे चेहरे पर एक स्माइल ले आते, तो ये सुनकर बड़ी खुशी हुई मुझे। एंड अनीस साहब और मैं साथ में देते, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब जब फीडबैक मिलता है लोगों से तो अच्छा। अली सर आप क्या कहेंगे, लोगों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला? अभी हमने देखा कि पहले भी आपको आगे हाथ मिलाया, बोला बहुत अच्छा फिल्म बनाई, आपको कितना? नहीं बहुत बहुत खुशी होती है क्योंकि जो हम लोग फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए बनाते हैं, और अगर उनसे मिलना जब होता है और जिस तरह का रिएक्शन ये आता है उनके चेहरे पर, फिल्म को देख के भी खुशी थी और जो हमको देख कर जो खुशी आई, और हर जितने लोग हैं आपने देखा है सब हाथ मिला रहे, गले मिल रहे हैं, और वो जेन्युइन आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं कि कितने खुश हैं वो। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इतनी खुशी उनको होती है तो उनकी खुशी के लिए हम फिल्म बनाते हैं, उनकी खुशी को देख के हमको और खुशी होती है। थैंक यू माय फ्रेंड, एक्शन हम वेट करते कब अनिल भाई एक्शन बोले और हम कॉमेडी शुरू करते हैं। अभी जो ये कॉमेडी फिल्म बनी है और इसमें लोगों को इनकी केमिस्ट्री बहुत मतलब अच्छी लग रही है। मैं तो मतलब जैसे वेलकम में नाना जी और अनिल जी का एक जो जोड़ी थी उनको लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब यहाँ लोग बोल रहे हैं कि अर्जुन एंड अनिल जी की जोड़ी जो है उतना मज़ा दे रही है, तो बहुत मज़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार ये जानकर। और जिस तरह काम भी दोनों ने किया है, पूरी फिल्म हम लोगों ने तो देखी है, अभी ऑडियंस के साथ देख रहे हैं, वो ऐसा जादू है जो मुझे लगता है कि आप जब पिक्चर देखेंगे तो ही उसका जादू का आपको पता लगेगा कि क्या जादू क्या है। देखिए प्रेशर लेंगे तो काम नहीं हो पाता, यू टू बी रेडी टू हैंडल वट एवर कम्स योर वे। एक कलाकार तो एक्टिंग करने के लिए बेकरार रहता है, यू वॉन्ट टू फेस द कैमरा, आपकी एक्साइटमेंट वही होती है। ऑब्वियसली जब लोग अच्छे होते हैं साथ में तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि कहीं ना कहीं यू विल हैव गुड पीपल वर्किंग विद यू। पर जैसे आज जब लोगों से मिला तो उन्होंने कहा इट्स सुपर, द डबल रोल इज सुपर, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें लिखाई की भी तारीफ है, उसमें बाकी कलाकारों की तारीफ है कि इतना सीमलेसली किया है। ऑब्वियसली मेरा काम पसंद आया जो थोड़ा बहुत
पर साथ में पूरी फिल्म की तारीफ है, होल फिल्म करण चरण दोनों साथ में, तो प्रेशर नहीं था पर एक ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है। पर आज जब थिएटर आ रहा था कहीं ना कहीं मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि जो कल हमें फीडबैक मिला जब यहाँ पे स्क्रीनिंग्स हो रही थी, जो आज सुबह से सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है, जो दोस्तों के मैसेज आए, आई फील विंडिकेटेड एज एन एक्टर कि जो फैसला किया था ये पिक्चर करने का वो सही डिसीजन था मेरे, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई शॉर्ट करियर टू डू अ फिल्म जो बच्चों से लेके हमारे जो बुजुर्ग हैं सबको पसंद आ रही है। आई थिंक वो बहुत रेयर होता है एक यंग एक्टर के करियर में, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बहुत ढेर साले मिले सुबह से, मुझे लगता है ये जो सर ऐसा फख्र से ऐसा उठना चाहिए यार क्या फिल्म बनाई है, वो झुका हुआ है कि इतने मैसेजेस हैं, बस वो मैसेज के जवाब जवाब थैंक यू करते हुए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं हम हमारे साथ तो दो एपिसोड शूट किया, बहुत मजा आया, प्रोमो भी आ चुका है, खबर आ रही है कि डिप्रेशन के शिकार है, तो अरे पर अभी तो मैंने कहा एकदम अभी फर्क का थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, कल शो आ रहा है पर दो आ रहा है, दो दिन आ रहा है। सर आप इसके साथ दो फिल्म और रिलीज हुई, सर आपको क्या लगता है कि आप फिल्म पे कितना असर करेगा? हां जी यार हम लोग हमारी जो पिक्चर है उसको अभी तक वो 4-6-8 जगह गए, हमको हमारी पिक्चर के लिए और थोड़े टाइम चाहिए कि यहाँ जाना है देखना है, इतने फ़ोन आ रहे हैं इतने मैसेज आ रहे हैं, तो ईमानदारी से ये जो आपने सवाल किया उस पर सोचने का भी टाइम नहीं मिला है। अरे एकदम तबियत खराब हो गई है, और अभी कल और परसों का जो एपिसोड है वो आप जो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अनिल जी ने उसमें क्या किया है, अर्जुन ने क्या किया, इतनी मस्तियाँ की है वो आपको लगेगा कि मुबारकी की हल्की झलक आपको नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जैसे हमारी फिल्म है एक एंसेंबल है, ये शो भी जो दो मैंने पहले भी मैं कपिल साहब के शो में गया हूँ, मगर ये शो में भारती और कीकू एंड कमाल किया उन्होंने, कपिल साहब तो है ही ज़बरदस्त, बट आई थिंक दिस टू एपिसोड जो आप कल देखेंगे वो आप खुश हो जाएंगे, ज़बरदस्त है और अलग एनर्जी। मैं कितनी हर फिल्म के लिए जाता हूँ पर इस बार जो एनर्जी थी सेट पे, जो माहौल था, और मैंने वो शो पे भी कहा है ज़बरदस्त माहौल था, और प्रोमो में आप देख सकते हैं अनिल चाचू अपने पूरी एनर्जी के साथ थे, कपिल सर पूरी एनर्जी के साथ थे, तो आई थिंक वी वेंट एज अ फैमिली ऑन अ फैमिली शो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी डिड द शो बिकॉज इट कनेक्ट्स विद द फिल्म ऑल्सो सो वेल। कई बार कुछ फिल्में होती जहाँ पे हम उतना ह्यूमर नहीं दे पाते शो पे, हमको थोड़ा बिकॉज फिल्म सीरियस होती है, यहाँ पे तो वो तालमेल एकदम परफेक्ट बैठ गया, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल विल सी इट एंड एंजॉय, जस्ट लाइक फिल्म पसंद आ रही है, वैसे कपिल का शो भी आपको तो पसंद आएगा, आप तो जरूर देखना। अनिल सर इधर उठाना ऊपर, अनिल सर अनिल सर बाउंसर
अर्जुन भाई एक मिनट सर इधर सर इधर अविनाश आओ क्या सर इधर देखिए सर इधर अर्जुन सर अर्जुन सर अर्जुन सर अर्जुन सर।